वेलकम स्टूडेंट्स, एकलव्य IAS अकेडमी के इस वीडियो सेशन में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रॉय और आज जो टॉपिक हम देखेंगे वो फिजियोलॉजी का एक टॉपिक है, श्वसन या रेस्पिरेशन, जिसमें हम मुख्यतः अध्ययन करेंगे इस चीज़ का कि जो फूड मटेरियल या पोषक तत्व जो कोशिका के अंदर होते हैं पौधे में, जो कि आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो उनका टूटना या अपचय कैसे होता है और उससे कैसे एनर्जी निकलती है या ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होती है, जिसका उपयोग कोशिका या वो जीव जो है अपने अलग अलग दूसरी क्रियाओं के लिए करता है। तो इसमें हम पहले कार्बोहाइड्रेट का अपचय का प्रोसेस देखेंगे और उसके बाद प्रोटीन और फैट या वसा का भी देखेंगे। तो अल्टीमेट जो एंड प्रोसेस है वो सब में सेम है, डिफरेंस जो है, फ़र्क जो है वो शुरू के स्टेप में है कि कार्बोहाइड्रेट कैसे टूटता है, वसा कैसे टूटता है और प्रोटीन कैसे टूटता है। और कुछ इसका कुछ भाग जो है या कुछ हिस्सा जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो रेस्पिरेशन या श्वसन की क्रिया होती है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, मतलब बिना ऑक्सीजन के एनएरोबिक और ऑक्सीजन के साथ एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें एक दूसरी चीज़ है कि जब ऑक्सीजन के साथ कोई ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, करके वो टूटती है, तो मेनली ऑक्सीजन उसमें जुड़ता है, तो ये एक ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया है या ऑक्सीडेशन की प्रतिक्रिया है। जबकि इसके विपरीत फोटोसिंथेसिस में हम देखते हैं कि जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर या जल मिल करके, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन है तो उसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, तो कार्बन तो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज या कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। तो वो जो हाइड्रोजन जुड़ने की जो प्रक्रिया है वो है अवकरण या रिडक्शन का प्रोसेस है। तो फोटोसिंथेसिस एक रिडक्शन का प्रोसेस है, अवकरण की प्रक्रिया है, और रेस्पिरेशन एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है या ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, जिसमें ऑक्सीजन उसमें जुड़ता है। तो ये इसमें क्या स्टेप्स है और क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। तो जो सेल या कोशिका के अंदर जो ब्रेकडाउन या टूटना होता है, किसका? कार्बोहाइड्रेट का। टूट के क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इसके साथ क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। तो ये पूरे प्रक्रिया को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, या सेलुलर रेस्पिरेशन शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कोशिका के अंदर होता है। तो इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। किसका ब्रेकडाउन होगा? तो कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, टूट के क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, और इसके साथ में ऊर्जा प्राप्त होगी। तो ये ऊर्जा जो है, जो निकलती है, इसी का इस्तेमाल शरीर की विभिन्न दूसरी क्रियाओं में जहाँ ऊर्जा की ज़रूरत है वहाँ होती है। तो उसका सोर्स जो है ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इसके द्वारा। तो जो कोशिका के अंदर होता है इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें जुड़ता है, और एक तरफ से इसको बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जस्ट उल्टा है। फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से शुरू हो करके और कार्बोहाइड्रेट तक जाता है, ग्लूकोज तक जाता है, और यहाँ ग्लूकोज से शुरू होकर उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तक आता है। तो वहाँ रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस में ये दोनों जुड़ के कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, और इसमें ये टूट के ये और ये बनता है। तो इसको इसलिए रिवर्स प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो इसमें ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीकरण होता है, किसका ऑक्सीकरण होता है? तो वेरियस ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस, जो पोषक तत्व हैं कोशिका के अंदर, शरीर के अंदर जो अलग अलग पोषक तत्व हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, इन सब का नॉर्मली ब्रेकडाउन होता है या ऑक्सीडेशन होता है। तो ये इसका बेसिक रिएक्शन जो है, जो इसकी जो इसका जो इक्वेशन है वो ये है। यहाँ ये ग्लूकोज है, ये जो है आपका ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, टूट के कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पानी बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो ये रेस्पिरेशन का जो बेसिक रिएक्शन है, ये कार्बोहाइड्रेट का टूटने का जो प्रोसेस है, जो ग्लूकोज का टूटने का प्रोसेस है, उसमें ये होता है और एनर्जी रिलीज होती है।
तो पर कार्बोहाइड्रेट जो है वो या प्रोटीन जो है या फैट जो है ये इसको अगर देखेंगे, इनका स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट तो जो बड़े अणु होते हैं वो ग्लूकोज ग्लूकोज या ग्लूकोज फ्रुक्टोज इन सब के मिल के इनसे मिल के बने होते हैं, तो पहले छोटे अणुओं में टूटता है, उसके बाद फिर उसका फर्दर अपचय होता है या ब्रेकडाउन होता है और होके कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निकलती है। और फैट और प्रोटीन की जहाँ तक बात करेंगे तो फैट और प्रोटीन वो तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज या फ्रुक्टोज से नहीं बने हैं, उसमें दूसरे तत्व जैसे प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड से मिल के बने होते हैं, फैट जो है फैटी एसिड या वसा अम्ल और ग्लिसरॉल से मिल के बने होते हैं। तो उनमें वो वसा अम्ल या प्रोटीन में जो एमिनो एसिड्स है वो किसी दूसरे प्रक्रिया के द्वारा टूट के कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाता है, कोई इस तरह का एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनता है जो कि फर्दर इसका जो ब्रेकडाउन का प्रोसेस है उसमें कहीं पर एंटर होता है। इसका जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि पहले ग्लूकोज टूटता है, टूट के एक प्रोडक्ट बनता है जो कि एक क्रेब्स साइकिल नामक एक चक्र है, क्रेब्स चक्र जिसके अंदर घुसता है और फिर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निकलती है। तो इनका भी जो है ये भी टूट के कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं, इस तरह के कुछ अणु बनते हैं जो कि क्रेब्स साइकिल में कहीं ना कहीं घुसते हैं, या तो क्रेब्स साइकिल के शुरू में घुसते हैं या बीच में कहीं घुसते हैं। तो अल्टीमेटली जो है जो एनर्जी रिलीज होने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस जो है वो क्रेब्स साइकिल के थ्रू से ही होता है। ऊर्जा जो निकलती है वो क्रेब्स साइकिल और उसके आगे का जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन उसी से एनर्जी निकलती है। शुरू के जो तत्व हैं, शुरू के जो चीज़ें हैं जहाँ से शुरू होती है वो अलग अलग चीज़ों के केस में अलग अलग होगा, पर अल्टीमेटली वो सब जाके कहीं ना कहीं क्रेब्स साइकिल में घुसते हैं और आगे का प्रोसेस होता है। तो क्या होता है हम आगे देखेंगे। तो जब पहले हम कार्बोहाइड्रेट का अपचय कैसे होता है या उसका रिस्पिरेशन में क्या होता है वो देखेंगे, तो ग्लूकोज जब ब्रेक होता है तो उसमें कई सारी स्टेप्स हैं, अलग अलग स्टेप्स जिससे एनर्जी रिलीज़ होती है इन फॉर, और एनर्जी जो रिलीज़ होती है जो ऊर्जा निकलती है उसका क्या होता है वो एटीपी के अणु के फॉर्म में स्टोर रहती है। तो एटीपी एक एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है, मतलब इसमें एक एडिनोसिन एक बेस है और उसके साथ में एडिनोसिन वही एडिनोसिन है जो कि थायमिन ग्वानिन साइटोसिन एडिनिन जो न्यूक्लियोटाइड्स में रहते हैं उसी एडिनिन से एडिनोसिन बनता है, और इसके साथ में ट्राईफॉस्फेट है तो तीन फॉस्फेट के अणु रहते हैं। तो उन्हीं में जो है तीन फॉस्फेट के जो ग्रुप हैं उसमें ही ऊर्जा स्टोर रहती है। जब ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो एटीपी से एक फॉस्फेट अलग होता है और उस बंधन में जो ऊर्जा है वो अवेलेबल होती है कोशिका में अलग अलग काम करने के लिए। तो ये क्या प्रोसेस होता है इसको हम देखेंगे। तो ये एक बहुत ही वाइटल प्रोसेस है, यानी कि वाइटल प्रोसेस, वाइटल यानी कि जीवन से संबंधित चीज़ बोल रहा है, वाइटल माने जीवन के लिए ज़रूरी, वाइटल प्रोसेस उसी को हम बोलेंगे जो जीवन के लिए ज़रूरी है, यह नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। तो वाइटल प्रोसेस दैट ऑकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स, तो पौधों में जो भी जीवित कोशिकाएं होती हैं या एनिमल्स में भी जो है उनमें इस तरह का रेस्पिरेशन का ये प्रोसेस होता है, यानी कि ग्लूकोज टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और साथ में एनर्जी रिलीज होती है जो कि एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। तो ये जो ऊर्जा निकलती है ये ऊर्जा एटीपी के अणुओं के फॉर्म में स्टोर रहती है। तो रेस्पिरेशन जो है या श्वसन की प्रक्रिया जो है ये मुख्यतः इसको दो भाग में हम बांट सकते हैं, एक है एरोबिक एक है एनएरोबिक। तो जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया, एरोबिक जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और एनएरोबिक जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ये जो अनुपस्थिति अनुपस्थिति की बात कर रहा है ये जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पहले वो टूट के कुछ बनता है और फिर वो क्रेब्स साइकिल क्रेब्स चक्र में जाता है, तो ये जो पहले वाला जो प्रोसेस है वहीं पर ये एरोबिक एनएरोबिक का चक्कर रहता है जहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा या अनुपस्थिति में होगा और उसके बाद फिर क्रेब्स साइकिल में वो जाता है। तो ये एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एनएरोबिक के ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जैसा कि आपको बताया कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो ग्लूकोज जो है ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होता है। कम्प्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि ग्लूकोज में जैसा कि हम जानते हैं कि C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे 6 कार्बन है, यानी कि कार्बन 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 ऐसे 6 कार्बन का आपस में उसमें बंधन रहता है। तो कम्प्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ये सारे बंधन जब टूट जाएंगे तब उसको मैं बोलूँगा कम्प्लीट ऑक्सीडेशन, मतलब 6 कार्बन है तो यहाँ से 6 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा,
माने छह कार्बन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो ऐसा जब होगा तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, पूर्णतः ऑक्सीकरण हो गया है। अगर मान लीजिए तीन अलग होता है, तीन रह जाता है, तो पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हुआ। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज एंड प्रोडक्ट। तो जब रेस्पिरेशन अगर एरोबिक हो रहा है तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, और जो ग्लूकोज है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, होके वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में चेंज होगा। तो ये जैसे एग्जांपल हम देखें, ये रिएक्शन हम पिछले स्लाइड में भी देखें कि जब इसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है तो छः कार्बन से छः कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और ये H2O जो है पानी अलग हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ऐसा जो रेस्पिरेशन है, ये कॉमन ऑकरेंस, मतलब नॉर्मली जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस, श्वसन की प्रक्रिया होती है वो नॉर्मली यही होती है, कॉमन ऑकरेंस, एंड इट इज़ ऑफन यूज्ड एज सिनोनिमस ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब कि अगर हम श्वसन बोलते हैं तो श्वसन का मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन ही हम समझते हैं नॉर्मली, क्योंकि नॉर्मल जो प्रोसेस है, मैक्सिमम जो भी कोशिकाएं हैं, जीवित कोशिकाएं हैं, उसमें नॉर्मली यही होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये टूट के ये बनता है। तो नॉर्मली हम जो अगर श्वसन, सिर्फ श्वसन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम ये एरोबिक रेस्पिरेशन को ही बताने के लिए करते हैं। तो दोनों समानार्थक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। दूसरा जो है, जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो इसमें ग्लूकोज जो है इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब यह है कि ग्लूकोज का जो है पूरी तरह ऑक्सीकरण नहीं होता है, मतलब जो छः कार्बन है, छः का छः पूरी तरह से नहीं टूटता है, और उसमें पार्टली टूटेगा, कुछ दो टूटा, तीन टूटा, ऐसा कुछ टूटा, कुछ रह गया, कुछ बंधन रह गए, तो इस तरीके से वो होता है, इसलिए उसको बोलते हैं इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। तो ये इनकम्प्लीट ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है वो इसमें इनकम्प्लीट है एनरोबिक में, और एरोबिक में ये कम्प्लीट है। तो एक जैसे एग्जांपल है एनरोबिक रेस्पिरेशन का, ये ग्लूकोज है, ये टूट रहा है, टूट के दो इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल बना रहा है। तो इथाइल अल्कोहल बना रहा है, मतलब इथाइल अल्कोहल में क्या है, इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो C2H5OH, ये इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर है। तो इसमें दो दो कार्बन के बीच का बंधन रह गया है, यानी ग्लूकोज में जो छः कार्बन है उसमें से दो कार्बन एक साथ रह गया है। तो ऐसा दो कार्बन, दो अणु इसका बनता है, दो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और ऊर्जा जो है वो बहुत कम निकलती है। तो उसमें हम देखते हैं जहाँ 686 किलो कैलोरी हम देख रहे हैं कि नॉर्मल जब पूर्णतः ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसमें जब हो रहा है इन यहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या एरोबिक रेस्पिरेशन जो हो रहा है, तो उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के दो अणु बन रहे हैं और दो इथेनॉल के अणु बन रहे हैं। तो दो दूनी चार कार्बन यहाँ और दो कार्बन यहाँ, तो ये छः कार्बन में से चार कार्बन यहाँ रह जाता है और दो ही कार्बन अलग निकल पाता है। तो इस तरीके से इसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये पूर्ण ऑक्सीकरण इसका नहीं हो रहा है। तो जब पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है तो सारे बंधन नहीं टूट रहे हैं, तो ऊर्जा भी जो है कम निकलती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो पूरी तरह ऑक्सीकरण नहीं हो पा रहा है। तो ये एक एग्जांपल है जो कि पौधों में हो सकता है जब ऑक्सीजन अगर नहीं है। यही प्रोसेस जब ह्यूमन बीइंग में होता है या इंसान के अंदर होता है, खास करके मसल्स में, जब हम अचानक से दौड़ लगाते हैं, अचानक हमको एनर्जी, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, एकदम से ऊर्जा की ज़रूरत पड़ी, या कोई भी एनिमल में जैसे अचानक, जैसे कोई जानवर है वो अचानक तेज दौड़ लगाता है, या मगरमच्छ को आप देखेंगे कि वो मगरमच्छ ऐसे तो शांत लेटा रहता है, अचानक से कुछ आ गया तो उसके ऊपर झपटता है। तो ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो होता है जिसमें अचानक से ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो उसमें लेकिन यही प्रोसेस होता है, क्योंकि वहाँ शरीर में साधारण प्रक्रिया में इतना ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है कि तुरंत चाहिए तो तुरंत ब्रेक होके, तुरंत ग्लूकोज टूट के तुरंत इतना ढेर सारा एनर्जी दे सके। तो वहाँ पर यही प्रक्रिया होती है, और जैसे मसल्स में होता है, जैसे हमारे पैर में स्प्रिंटर जो धावक जो हैं, जो दौड़ लगाते हैं, तो जब दौड़ लगाते हैं तो उनके मसल्स में जो है ये एनरोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, और वहाँ पर जो बनता है वो लैक्टिक एसिड बनता है। तो वहाँ पर जो बनता है वो लैक्टिक एसिड बनता है। तो इथेनॉल ये पौधों में इस तरह से देखा जाता है, एनरोबिक में इथेनॉल बनता है, और इंसान में जब अगर स्प्रिंट करता है, दौड़ लगाता है, तुरंत एनर्जी चाहिए, भागते हैं, तो मसल जो है, जो हमारी मसल्स होती हैं, हाथ के मसल, खास करके पैर के मसल, उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो बनता है,
ये जमा होता है तो इसकी वजह से फिर थोड़ा अगर ज़्यादा जमा हो जाएगा तो फिर इसलिए दौड़ने के बाद हमको थोड़ा सा दर्द महसूस होता है, और इसको इससे ये जो है एक कार्बोहाइड्रेट है, लैक्टेट से लैक्टिक एसिड बना है, कार्बोहाइड्रेट से बना है, तो इससे जो पेन होता है उसको हम बोलते हैं स्वीट पेन है, कि उसको अगर कोई ऐसा प्रेस करने से ऐसा करने से हमको अच्छा फीलिंग होता है, और वो क्या होता है कि धीरे धीरे जब हम आराम करते हैं तो ये फिर से धीरे धीरे लैक्टिक एसिड जो है ख़त्म हो जाता है दूसरा प्रोसेस के द्वारा, और वापस से जो है वो नॉर्मल कोशिका की स्थिति जो है नॉर्मल हो जाती है। तो जब लेकिन जब इमीडिएटली जब हम दौड़ लगाते हैं या ऐसा तो उसमें एनरोबिक रेस्पिरेशन होता है और सेल में लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है। इसी तरह से प्लांट्स में जब अगर एनरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसमें इथेनॉल जमा हो जाता है, तो ज़्यादा जमा हो जाना ये अल्कोहल है, तो ज़्यादा जमा हो जाना ये सेल के लिए ठीक नहीं होता है। तो ये आपको एनरोबिक रेस्पिरेशन में ऐसा होता है तो इसमें एनर्जी ज़्यादा नहीं निकलती। तो ये जो प्रोसेस प्लांट्स में खास करके ये रेयर होता है, नॉर्मली नहीं होता है। तो ये जो है एरोबिक और एनरोबिक रेस्पिरेशन दो प्रकार के हैं। अब इसमें रेस्पिरेशन जैसा हमने शुरू में देखा कि रेस्पिरेशन जब शुरू हो गया, श्वसन की प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो ग्लूकोज का टूटना होता है। तो ग्लूकोज कैसे कोशिका के अंदर टूटता है, तो कोशिका के अंदर एंजाइम्स रहते हैं बहुत सारे, किण्वक जिसको बोलते हैं वो रहते हैं, जो कि उसके ऊपर एक्ट करते हैं और एक्ट करके उसको तोड़ते हैं। तो एंजाइम्स जिसके ऊपर एक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट जो है रेस्पिरेशन में या श्वसन की प्रक्रिया में जो सबस्ट्रेट इस्तेमाल हो रहा है उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, मतलब श्वसन की प्रक्रिया में जो सबस्ट्रेट, मतलब जो अणु या जो चीज़ जो है जो तत्व जिससे शुरुआत हो रही है तो उसको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलेंगे। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, साधारणतः ये ऑर्गेनिक सबस्टेंस होते हैं, यानी कि और कार्बन हाइड्रोजन के बने हुए होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, तो ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस होते हैं विच कैन बी डिग्रेडेड टू प्रोड्यूस एनर्जी, जिसको कि तो टूटने के बाद जिससे एनर्जी निकलती है। तो इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड्स भी हो सकता है, और प्रोटीन्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली कोशिका में जो ऊर्जा निकलती है वो कार्बोहाइड्रेट से निकलती है, इसी के ब्रेकडाउन से निकलती है, थोड़ा जो है फैट से निकलती है और वसा के ब्रेकडाउन से, और जब ये दोनों नहीं है या नहीं मिल पा रहे हैं उसी केस में प्रोटीन का नंबर आता है। तो प्रोटीन साधारणतः रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट नहीं होता है, मतलब श्वसन प्रक्रिया में जो शुरुआती जो तत्व हैं, जो अणु हैं जिसमें रेस्पिरेशन शुरू हो रहा है जिसके ब्रेकडाउन से, वो साधारणतः प्रोटीन नहीं होता है, या बहुत कम हिस्सा जो है जो एनर्जी का जो है प्रोटीन से आता है। तो जो रेस्पिरेशन में हिस्सा लेने वाले जो अणु हैं वो कई प्रकार के, जैसा एक कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, क्योंकि यही मुख्यतः श्वसन की प्रक्रिया में इसी का यूज़ होता है। ये कॉमन है अमॉन्ग्स देम, जो कॉमन जो कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल होते हैं वो है स्टार्च, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ये सब जो है। स्टार्च जो है एक बड़ा अणु होता है जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 5000 ग्लूकोज के अणु रहते हैं, तो वो पहले टूट टूट के अणु अलग होते हैं ग्लूकोज में, और फिर उनका या फ्रुक्टोज जो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज इनका स्ट्रक्चर वगैरह बहुत सिमिलर है, इस दोनों में 6 कार्बन है, तो ये कोशिका के अंदर जो है ये एक दूसरे में बदलते रहते हैं एंजाइम्स की मदद से। सुक्रोज जिसमें 2 कार्बन का अणु रहता है तो ये टूट के ग्लूकोज फ्रुक्टोज में बदलता है, फिर वो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज फिर आगे जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है उसमें वो जाता है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कोई अगर है, कॉम्प्लेक्स मतलब बड़ा अणु जो है जैसा कि स्टार्च है, तो ये पहले जो है सिंपल शुगर में बदलते हैं। सिंपल शुगर जैसे ये और ये सिंपल शुगर हैं, सिंपल शर्करा जिसको साधारण शर्करा कहते हैं, क्योंकि इसमें एक सबसे छोटा जो कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा यूनिट ग्लूकोज जिसमें 6 कार्बन रहते हैं, तो 6 कार्बन वाले उसमें बदलते हैं। तो जैसे बड़ा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होगा जैसा कि स्टार्च है जिसमें 4000-5000 ऐसे ग्लूकोज के अणु हैं, तो पहले हाइड्रोलाइज होता है यानी कि जल की उपस्थिति में वो टूटता है और टूट के सिंपल शुगर में बदलता है जैसे ग्लूकोज या फ्रुक्टोज में, और उसके बाद उसका इस्तेमाल रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में होता है। जैसे स्टार्च है ये डाइसैकेराइड में टूटेगा, फिर हेक्सोज में टूटेगा। डाइसैकेराइड मतलब इसमें जो है 2
ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलके सुक्रोज बनता है, इसको डाइसैकेराइड बोलते हैं। और फिर हेक्सोजेस मतलब जिसमें 6 कार्बन वाले हैं, हेक्सोज जो है वो 6 कार्बन वाले हैं जैसे कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है। तो स्टार्च एक बड़ा अणु है जो पहले डाइसैकेराइड में फिर हेक्सोज में टूटता है। ये एक एग्जाम्पल है देखेंगे स्टार्च के एक अणु का। तो ये एक ग्लूकोज का अणु है, एक ग्लूकोज 2, 3, 4 ऐसा लगातार लाइन से जो है ना ये जुड़े रहते हैं। और ये जो दोनों ग्लूकोज अणु के बीच का जो बंधन होता है, ये जो बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसको बोलते हैं। ये अल्फा 1,6 लिंकेज भी बोलते हैं, अल्फा 1,6 क्योंकि इसका पहला कार्बन और इसका छठा कार्बन ये दोनों के बीच में जुड़ा रहता है, पहला कार्बन छठा, पहला छठा, इसलिए अल्फा 1,6 बॉन्ड भी बोलते हैं या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोलते हैं इसको। तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है पहले ये बॉन्ड्स जो है वो टूटता है। तो ये बंधन, ये जो बीच के बॉन्ड है, यहाँ से ये सब टूटेंगे और ये एक एक अणु जो है ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये सब बंधन टूटेंगे तो ये एक एक अणु जो है पहले अलग होगा। तो पहले इस फॉर्म में आएगा, हेक्सोस फॉर्म में, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है, सब में देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है। तो 6-6 कार्बन का ग्लूकोज या फ्रुक्टोज के फॉर्म में पहले ये टूटेगा और टूटने के बाद फिर वो रेस्पिरेशन या श्वसन की प्रक्रिया में आगे जाएगा। दूसरे तरह के जो अणु हैं जो कि रेस्पिरेशन में हिस्सा लेते हैं या श्वसन में जाते हैं वो है फैट्स, यानी कि जिसको हम वसा कहते हैं। तो वसा जो है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है। वसा का अगर आप देखेंगे तो वसा एक्चुअली दो तरह के होते हैं फैट्स, एक है सैचुरेटेड फैट्स, एक है अनसैचुरेटेड, दो तरह के होते हैं। तो फैट्स जो है वो मेनली दो चीज़ से मिलके बना होता है। इसमें एक होता है वसा अम्ल और दूसरा होता है ग्लिसरॉल। तो वसा अम्ल या फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये दोनों मिल करके जो है ना फैट बनता है। तो ये वसा अम्ल जो होता है, ये फैटी एसिड जो है वसा अम्ल, ये दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो साधारणतः रूम टेम्परेचर पे, जो साधारणतः रूम टेम्परेचर रहता है उसमें वो तरल फॉर्म में रहते हैं जैसे तेल है। और जिसमें सैचुरेटेड जो रहते हैं वो जो है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड अवस्था में, ठोस की अवस्था में रहते हैं जैसे घी है या मक्खन है। तो वो वसा अम्ल के ऊपर निर्भर करता है कि उसमें किस तरह के वसा अम्ल हैं। तो ये वसा अम्ल और ग्लिसरॉल ये दोनों मिल के फैट बनते हैं। तो ये मेनली क्या है, ये स्टोरेज के फॉर्म है। मतलब फैट जो है ये एक ऐसा अणु है जिसको कि कोई भी जीवित प्राणी या जीव जो पौधे हैं उसको स्टोरेज मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसका अगर आप फैट के बारे में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, क्योंकि फैट जब बनता है तो वाटर उसमें से निकलता है। जब फैट के अणु जुड़ते हैं तो उसमें से पानी निकल जाता है, तो उसमें अणु का भार कम होता है और एनर्जी ज़्यादा उसमें होती है, ये सब उसमें बताया जाता है। तो फैट जो है मेनली स्टोरेज फॉर्म के हैं। मतलब कोई चीज़ जब फैट में कन्वर्ट हो रही है, मतलब उसको शरीर जो है उसको स्टोर करने के लिए रखना चाह रहा है, जब ज़रूरत की स्थिति में उसको इस्तेमाल करने के लिए। तो इसलिए ऐसा नॉर्मली देखेंगे आप, अगर ज़्यादा हम एक्सेस, ज़रूरत से ज़्यादा हम एक्सेस भोजन करते जाएंगे तो शरीर में फैट जमा होता जाएगा, और फैट जमा होते होते तो आदमी मोटा होने लगेगा। और जब अगर मान लीजिए खाना मिलना बंद हो जाए, तो बाहर से कार्बोहाइड्रेट मिलना बंद हो जाए तो शरीर पहले जो है ना जो फैट है उसका इस्तेमाल करती है, उसको पहले उसी को तोड़ तोड़ के उससे ऊर्जा लेती रहती है। तो धीरे धीरे आदमी जो है दुबला होता रहता है, और होते होते एक समय एकदम जब फैट ख़त्म हो जाएगा तो फिर मसल्स का इस्तेमाल होने लगता है, ऊर्जा जो ज़रूरी प्रक्रिया है उसके लिए। तो इसलिए फिर मसल्स जो है ये सब भी गलने लगते हैं, तो एकदम हड्डी का ढांचा बाद में हो जाता है। तो ये जो है स्टोरेज फॉर्म के चीज़ें। तो ये मेनली पौधों में जो है वो बीज में पाए जाते हैं। बीज में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि बीज जो है वो एक ऐसी चीज़ है, जब उसको लगाया जाता है तो उसमें पहले तो बाहर से उसमें उसको फूड वगैरह नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें जड़ तना विकसित हो रहा है, उसमें फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है। तो उसमें जो उसमें रिजर्व फूड मटेरियल है उसी को इस्तेमाल करके पहले वो बढ़ता है। तो रिजर्व फूड मटेरियल
जाहिर है कि ऐसे ऐसा रिजर्व फूड मटेरियल रखना अच्छा है जिस जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जिससे ऊर्जा मिल सके। तो अगर कार्बोहाइड्रेट या फैट दोनों को कंपेयर करेंगे तो फैट में कार्बोहाइड्रेट से कई गुना ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो इसलिए नेचुरली ये जो है नेचुरल चॉइस है, इसी के फॉर्म में स्टोर रहता है। तो 80% जो आवृतबीजी जो है एंजियोस्पर्म है उसमें फैट जो है एज ए स्टोरेज फूड रहता है उनके कोशिकाओं में। उन तो जो बीजों में जो स्टोरेज फूड मटेरियल रहता है जिसको कि इस्तेमाल बीज करती है शुरुआती दौर पे ग्रो करने के लिए, वो नॉर्मली फैट्स होता है। और जर्मिनेशन में कुछ फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट में बदल ले जाते हैं और बाकी फैट जो है वो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कुछ बदलते हैं और कुछ जो है रेस्पिरेशन या श्वसन क्रिया में वो करते हैं। तो फैट का जब टूटना होता है तो चूँकि एक बड़ा अणु है तो ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये दोनों में ये टूटता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और ये जो फैटी एसिड है ये फैटी एसिड ये फर्दर बदल के एसिटाइल कोएंजाइम ए नामक एक केमिकल में चेंज होता है और ये केमिकल जो है जो वो क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल में जाता है, जाके फिर नॉर्मल जो श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो ये एक एग्जाम्पल है, देखेंगे ये जो है ग्लिसरॉल का अणु है, तो ये ग्लिसरॉल का अणु जो है ये ग्लिसरॉल का अणु है और यहाँ जो OH है यहीं पर जो है एक एक वसा अम्ल का जो चेन इसमें जुड़ता है। तो यहाँ पर ये वसा अम्ल का चेन जुड़ गया है, ये वसा अम्ल का चेन है, ये वसा अम्ल है। तो ये एक वसा अम्ल है, ये एक वसा अम्ल है, ये एक वसा अम्ल या फैटी एसिड है, तो तीन फैटी एसिड है और एक ग्लिसरॉल का चेन है, तो ये मिल करके एक फैट का अणु बनता है। तो ये जब हाइड्रोलिसिस होता है यानी कि शोषण में अगर जाना है इसको, तो ये सब बंधन टूटेंगे और ये वसा अम्ल अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा और एक एक वसा अम्ल फिर से अलग से शोषण की प्रक्रिया में जाता है। जो तीसरा टाइप का है वो है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स जो है नॉर्मल कंडीशन में, जैसा कि मैंने बताया कि प्रोटीन जो है वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे नॉर्मली इनका इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि साधारण स्थिति में पौधा हो या पशु हो या इंसान हो उसके शरीर में प्रोटीन का इस्तेमाल श्वसन की प्रक्रिया में साधारणतः नहीं होता है, एक्सेप्ट सीड्स में। ऐसे सीड्स जो कि रिच इन प्रोटीन है, कुछ बीज ऐसे होते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे जो कि दाल के जो बीज हैं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है तो उनमें इस्तेमाल होता है। इसको बीज जब ग्रो कर रहा है तो प्रोटीन को ऊर्जा के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज प्रोटीन जो है एक रेस्पिरेटरी सब्सटेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता है। और वेजिटेटिव टिश्यू मतलब शरीर की जो कोशिकाएँ हैं उनमें प्रोटीन तभी इस्तेमाल किया जाता है जबकि अंडर स्टारवेशन है। स्टारवेशन मीन्स भोजन नहीं मिल रहा है, भोजन कहीं से नहीं मिल रहा है, भूखमरी की स्थिति है, उसी स्थिति में प्रोटीन का इस्तेमाल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे होता है। नहीं तो पहले कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल होता है, फिर फैट का होता है, वसा का, और बाद में वो दोनों ख़त्म होता है तभी प्रोटीन के ऊपर इस्तेमाल होता है। तो प्रोटीन में जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड से मिलके बने होते हैं, यानी प्रोटीन का एक अणु जो है वो बहुत सारे एमिनो एसिड्स के साथ अलग अलग एमिनो एसिड्स के साथ जुड़ के बना होता है। तो प्रोटीन को जब अगर इसमें रेस्पिरेशन श्वसन में जाना है तो पहले बड़े अणु को छोटे में टूटना पड़ेगा। तो टूटने में क्या होता है, एमिनो एसिड्स जो है अलग होते हैं। पहले प्रोटीन में मान लीजिए 20 25 30 40 50 एमिनो एसिड्स हैं, तो पहले सारे एमिनो एसिड्स जो है अलग अलग होंगे तो हाइड्रोलाइज टू फॉर्म एमिनो एसिड। एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, जो भी बड़े अणु हैं जब भी वो छोटे में टूटते हैं तो पानी की उपस्थिति में टूटते हैं और उस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहा जाता है, उसको बोला जाता है हाइड्रोलिसिस, जिसमें हाइड्रो मीन्स वाटर है, लिसिस या लाइसिस मतलब टूटना, तो पानी की उपस्थिति में टूटता है इसलिए हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलाइसिस बोला जाता है और हाइड्रोलाइज्ड हो गया बोलते हैं। तो प्रोटीन हो या फैट हो या कार्बोहाइड्रेट हो सबका हाइड्रोलिसिस होता है। अगर फैट है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटेगा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन है तो अमीनो एसिड में टूटेगा और कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज सुक्रोज इसमें टूटेगा। तो हाइड्रोलिसिस होके अमीनो एसिड में टूटता है। अब ये अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड इनका नाम ही है क्योंकि इसमें एक अमीनो ग्रुप होता है यानी कि NH2 ग्रुप होता है।
NH2 ग्रुप होता है उसका डी एमिनेशन होता है, यानी कि उस एमिनो एसिड से ये NH2 ग्रुप जो है वो निकल जाता है, तो उसका डी एमिनेशन होता है, होके एक ऑर्गेनिक एसिड बनता है, एक कोई कार्बनिक अम्ल बनता है। ये कार्बनिक अम्ल जो है ये क्रेब्स साइकिल में जा सकता है, क्रेब्स साइकिल में जाता है, जाके फिर से जो नॉर्मल रेस्पिरेशन की बाकी प्रक्रिया जो है वो होती है, तो क्रेब्स साइकिल में ये डायरेक्ट एंटर कर सकता है। तो प्रोटीन का अगर एक स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें ये देखेंगे कि ये CH2NH, ये एक प्रोटीन है, ये एक एमिनो एसिड है, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो जो चौथे टाइप के रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है यानी कि जिनका श्वसन में इस्तेमाल होता है वो है ऑर्गेनिक एसिड या कार्बनिक अम्ल। तो ये इनकी मात्रा हालांकि कम बहुत रहती है क्योंकि मेनली जो है कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा जो है वो वसा या फैट है, तीसरा ज़रूरत पड़ने पर प्रोटीन का इस्तेमाल होता है, और ये ऑर्गेनिक एसिड्स जो है ये शरीर में ही जो उपापचय की प्रक्रिया होती रहती है, अलग अलग बायोकेमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, प्रतिक्रियाएं, रासायनिक प्रतिक्रियाएं कोशिका के अंदर होती रहती हैं, उसी के दौरान इनका निर्माण होता है। तो कुछ जो है वो श्वसन की प्रक्रिया में चले जाते हैं, कुछ जो है दूसरे तत्वों के निर्माण में उनका उपयोग होता है। तो निर्भर करता है कि अगर बन रहा है तो अगर है तो इस्तेमाल होता है, पर मेन जो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यानी कि श्वसन में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वो है कार्बोहाइड्रेट, फॉलोड बाय फैट, उसके बाद फैट, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ा तो प्रोटीन, और जो ये है ये थोड़े बहुत बनते हैं जिनका इस्तेमाल होता है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स नॉर्मली बोलता है डू नॉट एक्यूमुलेट इन प्लांट टू एनी अप्रिशिएबल एक्सटेंट, मतलब नॉर्मली इनका जो है ये कोशिका के अंदर इकट्ठे नहीं होते क्योंकि ये नॉर्मली किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के अंतर्गत बनते हैं, तो शरीर में जो भी रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं वो साधारण नहीं होती, साधारण प्रतिक्रिया ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होती जैसे Na+ HCl, NaCl+, ये H2, ये ऐसी साधारण सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, ऐसी साधारण प्रतिक्रिया शरीर के अंदर नहीं होती। शरीर के अंदर नॉर्मली जो भी प्रतिक्रिया शुरू होती वो एक से जो बनता है वो फिर आगे इस्तेमाल होता है और फिर आगे ऐसा करके लंबा चेन रिएक्शन नॉर्मली रहता है, लंबी प्रतिक्रियाएँ होती है कि ऐसा साधारण छोटा ऐसा रिएक्शन, ऐसी प्रतिक्रिया शरीर के अंदर नहीं होती है। तो इसलिए बोलता है कि जो भी अम्ल उसमें तैयार होते हैं वो नॉर्मली किसी प्रोसेस के अंदर तैयार होते हैं, तो उस किसी तो जैसे ही तैयार होते हैं फिर आगे वाली प्रतिक्रिया में वो चले जाते हैं, तो नॉर्मली वो इकट्ठा होते नहीं हैं, एक्युमुलेट नहीं होते हैं, एक्सेप्ट कभी कभी क्या होता है कुछ मेंबर्स जैसे क्रेसुलिनेसी फैमिली है, इस फैमिली में ये बन के इकट्ठा होता है। अगर आपको याद होगा कि क्रेसुलिनेसी जो फैमिली है इसमें एक तरह का अलग तरह का प्रोसेस होता है जिसको कि हम बोलते हैं कैम पाथवे, जिसमें क्या होता है कि रात में वो ये साधारणतः पौधे ऐसे जगह पाए जाते हैं जो बहुत सूखा एरिया होता है, जहाँ पानी कम है, जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होता है कि दिन में स्टोमेटा बंद होता है, दिन में स्टोमेटा गर्मी की वजह से नहीं खुलता है क्योंकि जो भी पानी होगा वो उड़ जाएगा, तो रात में स्टोमेटा खुलता है, तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड को पत्ती के अंदर आता है, तो उस टाइम में वो मैलिक एसिड बन करके वो स्टोर रहता है, रिक्तिकाओं में मैलिक एसिड के फॉर्म में वो स्टोर रहता है, और दिन में जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड और नहीं आ रहा है, कोशिका का स्टोमेटा बंद हो गया है, तो उस समय उस मैलिक एसिड का इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस में या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। तो बहुत कम जगह में ऐसा देखा जाता है कि ये इकट्ठे होते हैं, तो इनका साधारणतः इस्तेमाल कम होता है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स जो है इनका ऑक्सीडेशन तभी होगा अंडर एरोबिक कंडीशन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, अगर अवेलेबल है तो इनका ऑक्सीडेशन, इनका ऑक्सीकरण होता है, तो होके फिर से वही कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा। तो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है इसका एंड प्रोडक्ट जो है इसका आखिरी में जो है हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है और ऊर्जा निकलती है, वो किसी का भी हो, वो चाहे फैट का हो, कार्बोहाइड्रेट का हो, प्रोटीन का हो, अगर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है तो कुछ दूसरी प्रक्रिया के अंदर कुछ दूसरे प्रोसेस से होते हुए वो क्रेब्स चक्र तक पहुंचता है, और कार्बोहाइड्रेट का जो है ग्लाइकोलिसिस के तहत क्रेब्स चक्र में पहुंचता है, अल्टीमेटली जो है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है उसमें से। तो रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है, मतलब इसका जो प्रोसेस है कैसे कैसे होता है, इनके तीन चार इसमें प्रोसेस हैं। जो पहला प्रोसेस है वो है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूविक एसिड क्रेब्स साइकिल, तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसको टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या रिलेशन कहा जाता है, और एक है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो
जो पहला प्रोसेस है जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस इसमें ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का एक अणु है ये टूट के 3 कार्बन वाले अणु में टूटता है, तो वो जो होता है वो पाइरूविक एसिड होता है जिसमें 3 कार्बन होते हैं। ये पाइरूविक एसिड जो है दूसरे स्टेप में क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्र में जाता है। इस क्रेब्स साइकिल को TCA साइकिल भी कहा जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, और फिर इसमें कुछ चीज़ें बनती हैं, इसमें और इसमें कुछ चीज़ें बनती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाती है जहां पर एक्चुअली ऊर्जा जो है वो निकलती है। और एक पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इससे ही रिलेटेड एक पाथवे है जिससे कि कुछ राइबुलोज बाईफॉस्फेट का फिर से पुनर्जनरेशन होता है। इसमें मैं एक चीज़ आपको यहाँ बता दूं कि क्रेब्स साइकिल जैसे आप पढ़ते हैं, क्रेब्स साइकिल, केल्विन साइकिल, ये जो साइकिल सब पढ़ते हैं, तो इसमें इसके नाम के बजाय अगर आप इस नाम से याद रखेंगे तो शायद थोड़ा सा अच्छा होगा, क्योंकि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसको इसलिए बोला जाता है कि जो पहला स्टेबल तत्व, स्टेबल कंपाउंड जो बनता है यौगिक, जो पहला स्टेबल यौगिक जो बनता है वो होता है 3 कार्बन का, इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोला गया है। वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है यानी कि एक अम्ल है, तो अम्ल बनता है और 3 कार्बन का होता है, तो इसलिए इस चक्र को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र या साइकिल बोला गया है। इसको हेंस क्रेब ने खोजा था इसलिए उनके नाम से क्रेब्स चक्र बोला जाता है। तो इसको याद रखेंगे और उसको ये भी बोला जाता है याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इससे आपको इसको समझ के आप याद रखेंगे, क्योंकि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब पहला जो स्टेबल कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन का बनता है। जैसे ऑक्सलोएस्टिक एसिड एक है वो इसमें 4 कार्बन का बनता है, जब C4 में देखते हैं तो जिसकी वजह से उस साइकिल का नाम पड़ा है उसको ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और उसको क्रेब्स ने खोजा था इसलिए क्रेब्स साइकिल भी इसको बोला जाता है। तो ये जो है नॉर्मली 4 प्रोसेस होता है, पहले ग्लूकोज टूटता है 6 कार्बन से 3-3 कार्बन में, वो जो 3 कार्बन वाला जो यौगिक है वो पाइरूविक एसिड है, वो फिर क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल में जाता है, और उसमें से कुछ चीज़ें बनती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाती है जिसको टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी बोला जाता है। और एक और पाथवे रहता है पेंटोज फॉस्फेट जिसमें कि जो ग्लूकोज जब इस साइकिल में जाता है तो वहाँ पे एक तत्व है, एक यौगिक है जिसका इस्तेमाल होता है क्रेब्स साइकिल में, वो फिर से इस साइकिल के द्वारा फिर से वो तैयार हो जाता है ताकि क्रेब्स साइकिल चलता रहे। अब ये कि ये कहाँ पर होता है कोशिका में, तो हम देखेंगे कि ग्लूकोज जो है जो कोशिका के अंदर आया, ये कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन, तो कोशिका के अंदर आया, तो कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म है या कोशिका द्रव्य है उसमें ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, और उसमें ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होने के बाद पाइरूवेट बनता है जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो ग्लूकोज आया है, ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है, और ये जब कोशिका के अंदर यहाँ घुसने के बाद जब इसका ग्लाइकोलिसिस होता है, लाइसिस मतलब जैसा मैंने आपको पहले बताया टूटना, तो इसका टूटना होता है, ये टूटने के बाद पाइरूविक एसिड बनता है जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है। अब ये पाइरूविक एसिड का फेट यानी कि इसका किस्मत आगे जो है निर्भर करता है कि वो किधर जाएगा। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो इसमें फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है जिससे कि ये कोशिकाओं में, मसल्स में ये लैक्टेट बनता है, या पौधों में ये जो है इथेनॉल या एल्कोहल के फॉर्म में बनता है, और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जहाँ की क्रेब्स चक्र या TCA साइकिल चलता है, और वहाँ NADH, NADPH2, FADH2 ये सब बनते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, और वहाँ से अल्टीमेटली ऊर्जा निकलती है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन के निकल जाता है। तो ये एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है, साधारण तौर पे समझाने का कोशिश किया गया है कि ग्लूकोज कोशिका के अंदर आता है, पहले उसका ग्लाइकोलिसिस होता है, उसके बाद जो बनता है पाइरूवेट वो या तो एरोबिक में जाएगा या एनएरोबिक में जाएगा यानी कि बिना ऑक्सीजन के या ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्रेब्स चक्र चलेगा और उससे अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ATP निकलेगा, और अगर नहीं है तो वो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में लैक्टेट बनेगा हमारी कोशिकाओं में या पौधों में जो है ये इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल बनता है।
तो ये इसका नॉर्मल जो है वो प्रोसेस है। तो पहले हम इस ग्लाइकोलिसिस को देखेंगे कि इसमें क्या होता है, उसके बाद हम ये TCA साइकिल को देखेंगे और उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देखेंगे। तो ये तीन भागों में इसका प्रोसेस को हम पूरी प्रक्रिया को हम देखेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस जो पहला प्रोसेस है उसको ग्लाइकोलिसिस बोला जाता है या एम्डेन-मेयरहॉफ पैरानास पाथवे या ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। तो ईएमपी पाथवे बोला जाए या ग्लाइकोलिसिस बोला जाए, दोनों का मतलब एक ही है। ये जो है शब्द आया है ग्रीक वर्ड ग्लाइकिस से, जिसका ग्लाई वर्ड जहाँ है उसका मतलब है स्वीट, तो स्वीट, और लाइसिस मतलब कि टूटना, स्प्लिट करना, टूट जाना। तो ग्लाइकिस स्वीट और लाइसिस मतलब मीठे चीज़ का टूटना। तो ग्लूकोज जो है वो शर्करा है, वो उसका टूटना है, तो इसलिए इसको ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है। तो ये जो है ये प्राइमरी पाथवे है, मतलब ये मेजर जो है वो पाथवे है, मतलब मेजर जो प्रोसेस है साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल द टिश्यूज ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। तो बायोलॉजिकल सिस्टम है लिविंग बीइंग जो है, जीवित जो भी है प्राणी या जो भी चीज़ें हैं उनके अंदर ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस एक मेजर पाथवे है, एक मेजर प्रोसेस है जिसके द्वारा पहले ग्लूकोज टूटता है, टूट के पायरुविक अम्ल या पायरुविक एसिड में बदलता है जो कि आगे क्रेव्स साइकिल में जाता है। तो ये एक मेजर पाथवे। तो इसमें ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस बिना ऑक्सीजन का भी होगा। अल्टीमेटली एरोबिक या एनरोबिक होगा, डिपेंड करेगा पायरुवेट बनने के बाद उसका क्या होता है। तो ऑल द एंजाइम्स जो भी किण्वक हैं या जो भी एंजाइम हैं जो कि इस ये जो इसमें रिएक्शंस होते हैं उसको कैटालिसिस करते हैं या उसको कंट्रोल करते हैं, वो एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल में पाए जाते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर यानी कहाँ, यानी कि साइटोप्लाज्म में। तो ये सारे एंजाइम जो है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस का जो भी एंजाइम है वो सब साइटोप्लाज्म में मिलता है। तो ये प्रोसेस जो है कहाँ होगा, ये साइटोप्लाज्म में होगा। और इसमें जैसा कि मैंने बताया आपको कि ग्लूकोज जो इसमें कि 6 कार्बन रहता है वो पहले टूट के 2-3 कार्बन वाले दो पायरुविक एसिड में बदलता है। तो ये ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है जो कि पायरुविक एसिड है। तो ग्लाइकोलिसिस आपका कोशिका के साइटोप्लाज्म में होगा, इसके एंजाइम साइटोप्लाज्म में मिलेंगे, इसमें ग्लूकोज जो है वो टूट के पायरुविक एसिड में बदलेगा, ये पायरुविक एसिड आगे क्रेब्स साइकिल में जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये एक एनेरोबिक प्रोसेस है, इसमें ऑक्सीजन रहे चाहे नहीं रहे ग्लाइकोलिसिस तो हो जाएगा, उसके आगे अगर ऑक्सीजन है तो एरोबिक का प्रोसेस होगा और नहीं है तो एनेरोबिक का प्रोसेस होगा। तो ग्लाइकोलिसिस और ईएमपी पाथवे इज कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनेरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है या एनेरोबिक हो रहा है, दोनों में ग्लाइकोलिसिस तो होगा। ग्लाइकोलिसिस कॉमन प्रोसेस है, वो पहले होता है, उसके आगे क्या होगा यानी कि पायरुविक एसिड की किस्मत में क्या है ये निर्भर करेगा कि ऑक्सीजन है तो एरोबिक, नहीं है तो एनेरोबिक। पर यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वो तो पहला प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस है, वो ऐसे ही होता है। तो ये एक डायग्राम से मैंने दिखाने की कोशिश किया है कि जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, ये पूरा जो प्रोसेस है वो आपका ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है। तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में ग्लूकोज से शुरुआत हो रही है, एक ग्लूकोज का अणु है और ये टूट के अल्टीमेटली पायरुविक एसिड में बदलता है पायरुवेट। तो यहाँ पे 6 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन, और इसमें जो बना है ये 3 कार्बन है, 1, 2, 3। तो ये 2 पायरुवेट के अणु बनते हैं, एक ग्लूकोज टूट के 2 पायरुवेट बनता है। इसमें एक और चीज़ जो ध्यान देना है वो ये है कि ATP कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है और ATP कहाँ कहाँ बन रहा है और कितना बन रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि एक ATP का इस्तेमाल होता है ट्राईफॉस्फेट से डाईफॉस्फेट में बदलता है और एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ जुड़ गया है। फिर वो ग्लूकोज से एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया। 6 फॉस्फेट इसलिए क्योंकि 6वें कार्बन पर जुड़ रहा है, इसलिए 6 फॉस्फेट है। तो उससे फिर ये बदल के फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में बदलता है और वहाँ पे फिर से एक और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। तो अब जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है वो पहले कार्बन पे जुड़ा है, तो पहले कार्बन पे जुड़ा है इसलिए ग्लूकोज फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, यानी कि अब 2 फॉस्फेट है, एक पहले कार्बन पे जुड़ा हुआ है, एक 6वें कार्बन पे जुड़ा हुआ है।
तो फ्रुक्टोज 1,6 यानी कि पहले कार्बन पे एक फॉस्फेट, छठवें कार्बन पे एक फॉस्फेट और दो है तो बाई और फॉस्फेट, तो फ्रुक्टोज बाई फॉस्फेट बन गया है। इसके बाद क्या होता है, इस पर एक एंजाइम काम करता है एल्डोलिसिस। तो ये जो एंजाइम काम करता है तो ये एक एंजाइम से काम होके दो तरह के चीज़ें बनती है, एक ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एक या एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये जो दोनों है ये आइसोमर्स हैं, मतलब ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और आइसोमरेज एंजाइम से इससे ये बन सकता है, इससे ये बन सकता है। तो ये एल्डोलेज एंजाइम जो है इसको तोड़ देता है, ये जो रिंग स्ट्रक्चर है उसको तोड़ देता है, तोड़ के तीन तीन कार्बन के, 1-2-3 कार्बन और ये 1-2-3, 1-2-3 कार्बन के, तो ये जो 6 कार्बन वाला यौगिक चल रहा था यहाँ पर ये टूट के 2-3 कार्बन वाले यौगिक बन जाते हैं। अब वो या तो ये हो या ये हो, अगर ये भी है तो ये भी फिर से इसमें बदल सकता है और बदल के आगे का प्रोसेस में जाता है, तो इसलिए इसको अलग से और नहीं दिखाया गया है। तो ये जो निशान दिया गया है ये रिवर्सिबल का है, तो इससे ये बन सकता है, इससे ये बन सकता है। तो ये जो बनेगा इसमें फिर हम देखते हैं क्या होता है कि एक ATP बनता है, ये जो अलग अलग चेंज हो रहा है अलग अलग तत्वों में, तो यहाँ पर एक ATP बनता है और यहाँ पर एक ATP बनता है। तो ये दो ATP, ये दो इसलिए दिखाया गया है कि ये दो हैं, तो दो, एक चल रहा है तो उससे एक, दो चल रहा है तो उससे दो ATP बनेगा। तो यहाँ पर दो ADP से दो ATP यहाँ बन रहा है, यहाँ दो ADP से दो ATP यहाँ बन रहा है, और यहाँ पर एक प्रोसेस है जिसमें निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD जो है वो उसमें हाइड्रोजन आके जुड़ रहा है फॉस्फेट और जुड़ उससे रिएक्शन होकर के, तो NADH2 बनता है। तो ये जो बनता है ये 2NADH2 ये जो बनता है ये फिर लास्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है और वहाँ पर इससे ऊर्जा निकलती है, और बाकी यहाँ पर बना 2 ATP और यहाँ पर बना 2 ATP और यहाँ पर खर्च हुआ 1 ATP, 1 ATP, 2 ATP खर्च हुआ। तो नेट गेन जो है हमारा इसमें, दो यहाँ खर्च हो गया, दो बना, तो ये दोनों ख़त्म हो गया, जो बचा 2 ATP जो है नेट गेन होता है। तो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में नेट 2 ATP का गेन होता है, नेट 2 ATP मिलता है और एक NADH2 बनता है। ये NADH2 बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाके वहाँ से फिर से एनर्जी यहाँ से निकलता है, 1 में से 2.5 निकलता है, 2 में से 5 निकलता है, तो करीब 5 ATP वहाँ से मिलता है और यहाँ 2 ATP मिलता है। तो ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है। तो इसका शुरुआत जो है ग्लूकोज से होता है और अंत इसका पायरुविक एसिड बनने में होता है। शुरू में ये रिंग स्ट्रक्चर है, बीच में ये रिंग स्ट्रक्चर टूट के 2-3 कार्बन वाले हो जाते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये दोनों आइसोमर्स हैं यानी कि इसमें चेंज हो सकता है, और ये फिर आगे जाता है और आगे जा करके लास्ट में पायरुविक एसिड बनता है। तो और इसमें 2 ATP शुरू में खर्च हुआ और 4 ATP बना, तो नेट जो है 2 ATP का गेन इसमें होता है। तो ग्लाइकोलिसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये एक यूनिवर्सल सेंट्रल पाथवे है ग्लूकोज के कैटाबॉलिज्म का, यानी कि ग्लूकोज के इस्तेमाल का, अपचय का, ये ही एक यूनिवर्सल है, मतलब सब जगह हो रहा है, वो चाहे प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो या जो भी हो, सब में ऐसा हो रहा है, ऑल द टिश्यूज ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम में सब जगह हो रहा है, और प्लांट्स में खास करके ग्लाइकोलिसिस इज द की मेटाबॉलिक कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी प्रोसेस। रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है प्लांट्स में जो होता है, श्वसन की प्रक्रिया, उसमें ग्लाइकोलिसिस जो है एक की फैक्टर है, मेन एक पाथवे है जिसके द्वारा एनर्जी फर्दर रिलीज होता है। और बहुत सारे एनेरोबिक ऑर्गेनिज्म भी हैं जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रहते हैं, कुछ बैक्टीरियाज़ हैं, इनमें ग्लाइकोलिसिस के ऊपर ही एंटायरली डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस तो होगा, ऑक्सीजन हो चाहे ना हो, इसके जो पायरुविक एसिड जो बनता है वो फर्दर जो है एनरोबिक कंडीशन में इथेनॉल में बदलता है या लैक्टिक एसिड में बदलता है और उसमें से थोड़ी सी एनर्जी निकलती है। तो ग्लाइकोलिसिस अगर नहीं होगा तो पायरुविक एसिड नहीं बनेगा, तो आगे की प्रक्रिया नहीं होगी। तो ये एनरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो एंटायरली इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसी से उनका एनर्जी चलता है। और मेमोरियल टिश्यू सच एज रिनल मेडुला, मतलब ये जो पीछे का ब्रेन है और मेडुला इसका जो ब्रेन का तीसरा हिस्सा है, ये सोलली डिपेंडेंट ऑन ग्लाइकोलिसिस, ये ही इनका एनर्जी का एकमात्र सोर्स है। यहाँ पे
ग्लाइकोलिसिस से ही इनको जो मिलता है उससे ही एनर्जी उनको प्राप्त होती है। तो 4 ATP जो बन रहा है उसी से उनका काम चलता है। तो ये ग्लाइकोलिसिस इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और पायरुविक एसिड, जैसा कि हमने बताया कि एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस ये दो तरीके से जा सकता है, एरोबिक या एनरोबिक। ये बार बार मैं कहता रहा हूँ इसलिए आपको, कि एरोबिक एनरोबिक दोनों तरीके से जा सकता है। तो ये जो नेट गेन हमने देखा कि 4 ATP, 2 ATP खर्च होता है, 4 ATP बनता है, तो नेट जो है 2 ATP हमको मिलता है। एक हेक्सो शुगर मॉलिक्यूल यानी कि एक 6 कार्बन वाला शुगर मॉलिक्यूल, वो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज जो भी हो, तो उससे जब ऑक्सीडेशन होता है यानी ग्लाइकोलिसिस होता है तो हमको नेट 2 ATP मिलता है। और दो जो है NADH2 बनता है। ये एक्चुअली एक को एंजाइम है, ये एंजाइम टाइप का ही है एक। तो NADH2 जो है ये बाद में हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है, वहाँ ये कई प्रोसेस होकर गुजरता है तो वहाँ से एनर्जी, फिर से ऊर्जा निकलती है। तो ये ग्लाइकोलिसिस के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे, हाँ ये जो NADH, जैसा मैंने बताया कि ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में चेन में जाता है और फिर से 3 ATP मॉलिक्यूल इससे उससे बनता है। तो ये हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देखेंगे। ये जो है एक कॉम्पेरिजन है, सॉरी, ये एक पायरुविक एसिड का जो आगे का प्रोसेस है वो क्या हो सकता है। अगर ऑक्सीजन है तो पायरुविक एसिड जो है वो आगे चल के एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा और फर्दर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बनेगा क्रेब साइकिल के द्वारा। और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एक उसका पाथवे ये है कि उससे लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड जो है ये प्लांट में बहुत रेयर होता है एक्सेप्ट पोटैटो ट्यूबर्स में। ये मैंने आपको बताया मेनली एनिमल्स में होता है, क्योंकि ये मूवमेंट जहाँ रैपिड मूवमेंट करना है तो वहाँ पर इस तरह का प्रोसेस होता है। कुछ नॉर्मल रेस्पिरेशन तो चल रहा है, साथ में ये भी एनरोबिक रेस्पिरेशन भी चलता है, तो झटके में एनर्जी चाहिए तो वो मिलता है। और जो दूसरा एक हो सकता है जो कि खास करके प्लांट में होता है, जिसमें कि इथाइल अल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है, जैसे वाइन मेकिंग में इंडस्ट्री में होता है, बियर बनाने में, इसमें उसमें ये प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एनरोबिक कंडीशन में अल्टीमेटली अल्कोहल बनता है। और एनिमल्स में लैक्टिक एसिड में चेंज होता है। तो जो पायरुविक एसिड है, पायरुवेट, जो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है, वो या तो इधर जा सकता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक एसिड या फर्मेंटेशन में बदलता है। ग्लूकोज से पायरुवेट बना, अगर एरोबिक एनरोबिक कंडीशन है तो लैक्टेट में जा सकता है, या ऑक्सीजन बहुत कम है प्लांट्स में है तो इथाइल अल्कोहल में बदल सकता है, और अगर एरोबिक कंडीशन है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलता है, और फिर वो साइट्रिक एसिड साइकिल में जाके कार्बन डाइऑक्साइड और वो वाटर बनता है। तो ये जो पायरुवेट है, ये तीन तरह का बिहेवियर इसका हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। अगर एनरोबिक है एनिमल्स में है तो लैक्टेट बन सकता है, एनिम प्लांट में है तो फर्मेंटेशन से इथाइल अल्कोहल बन सकता है, और अदरवाइज अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो उस केस में क्रेब साइकिल में जा सकता है। तो अब हम जो साइकिल देखेंगे वो है क्रेब साइकिल। तो क्रेब साइकिल में क्या होता है, इसको क्रेब साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल भी बोलते हैं। तो क्रेब साइकिल जो कि हैंस क्रेब नामक साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था, जिससे कि एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदलता है, इसलिए इनके नाम से इसको क्रेब साइकिल कहा जाता है। पायरुविक एसिड जो कि ग्लाइकोलिसिस में बनता है वो क्रेब साइकिल में एंटर करता है फर्दर आगे ऑक्सीकरण की प्रति उसका होने के लिए, यानी कि आगे फर्दर वो टूटने के लिए। 6 कार्बन से 3 कार्बन में टूट गया है पायरुविक एसिड में, वो 3 कार्बन का जो है फर्दर टूटेगा, और ये जो कहाँ पर होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होगा। तो क्रेब साइकिल का जो प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, क्योंकि इसके जो भी एंजाइम्स है वो यहीं पर प्रेजेंट है। और एसिटाइल कोएंजाइम में जो कि कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से मिलता है या लिपिड से या प्रोटीन से मिलता है, वो ऑक्सलोएसिटेट नाम का एक यौगिक है जिससे जुड़ करके साइट्रेट में बदलता है, विच इज़ द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल। तो ये इसीलिए साइट्रेट बनता है या साइट्रिक एसिड बनता है, इसलिए इसको साइट्रिक एसिड साइकिल बोला गया है, या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोला गया है, क्योंकि 3 कार्बन का है तो इसी के नाम से ये साइकिल का नाम पड़ा है, और क्रेब्स ने इसको खोजा था इसलिए उनके नाम से क्रेब्स साइकिल बोला गया है। तो ये प्रोसेस जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ये आप देखेंगे कि ये क्रेब्स साइकिल जो है यहाँ से शुरुआत हो रही है। तो इस सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट बनता है,
जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है। इस पाइरूवेट के ऊपर एक एंजाइम काम करता है, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि एक NADH2 बनाता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, यहाँ पर एक कोएंजाइम ए जुड़ गया है इसके साथ में, तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है और एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर निकल गया है। तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है, यही क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है। तो यही एसिटाइल कोएंजाइम में हमको फैट या वसा के हाइड्रोलिसिस से भी मिलता है, जो कि यहाँ आके क्रेब्स साइकिल में घुसता है, और प्रोटीन से भी हमको मिलता है, जो भी यहाँ आके घुस सकता है। प्रोटीन से और भी चीज़ें मिलती है, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, तो प्रोटीन से जो मिलता है वो कहीं भी बीच में घुस सकता है। और ये जो है ग्लूकोज से जो मिलता है वो एसिटाइल कोएंजाइम में वो यहाँ पर घुसता है। तो इसमें एक ऑक्सैलो एसीटेट एक यौगिक है जिसमें 1, 2, 3, 4 कार्बन है, और उसके साथ ये मिलता है ये एसिटाइल कोएंजाइम में जिसमें कि 2 कार्बन है। तो ये दोनों जुड़ के एक 6 कार्बन का कंपाउंड बनाते हैं, जो टूट के जो है ना साइट्रेट या साइट्रिक एसिड बनाता है। तो ये देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन का ये साइट्रिक एसिड बना। तो ये जो साइट्रिक एसिड बनता है या साइट्रेट बनता है, ये पहला यौगिक है इस क्रेब्स साइकिल का, तो इसी के नाम से इसको साइट्रिक एसिड साइकिल बोला गया है। तो उसके बाद अलग दूसरा एंजाइम इस पे काम करता है, तो आइसोसाइट्रेट बनता है, और फिर आप देखेंगे कि दूसरे दूसरे प्रोडक्ट अल्फा कीटो ग्लूटरेट है, सक्सनेल को एंजाइम है, इस तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते रहते हैं, और अल्टीमेटली जाके फिर से ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। तो ये जो इसमें जुड़ा, ये जो 2 कार्बन जुड़ा, ये जो 1 कार्बन 2 कार्बन ये 4 के साथ, वो 2 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाता है। कहाँ? 1 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ निकल गया, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर निकल जाता है। तो ये 1 और 2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस तरीके से यहाँ से निकल जाता है। तो ये जो 2 कार्बन ग्लूकोज से आया है, ये 2 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बन के यहाँ और यहाँ निकल जाता है, और ये फिर से 4 कार्बन का कंपाउंड बन जाता है, जो कि फर्दर और मॉडिफिकेशन होके फिर से ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। तो ये ऑक्सैलो एसीटेट इस एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ जॉइन होता है, पकड़ता है, और कुछ एंजाइम्स के थ्रू गुजरते हुए ये कार्बन को तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में निकाल देता है, और ये फिर मॉडिफाई होके फिर से ऑक्सैलो एसीटेट में चलता है। तो ये एक साइकिल के फॉर्म में चलता रहता है, चक्र के तौर पे, इसलिए इसको साइकिल बोला गया है। इसमें जो ध्यान देने की बात और ये है कि एक यहाँ पर NADH2 बनता है जो निकलता है, फिर यहाँ पर NADH2 बनता है, और यहाँ पर GTP बनता है, जो कि गुएनोसिन ट्राईफॉस्फेट है, जो कि फर्दर चेंज होके फिर से ATP में बदल जाता है। यहाँ पर FADH2 बनता है, तो ये जो FADH2 यहाँ बनता है, FAD फ्लेविनिन नेडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, FAD और FADH2 ये बनता है, NADH2 बनता है, और यहाँ पर फिर से NADH2 बनता है। ये जो चीज़ें हैं, ये NADH2, FADH2 ये जो चीज़ें बनती हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाती है इसके बाद में, और वहाँ पर जाके वहाँ फर्दर जो है ऊर्जा, एक्चुअली जो है एनर्जी का रिलीज वहीं पे होता है। तो इसका जो पहला, इसमें जो ध्यान देने लायक चीज़ ये है कि जो शुरुआत होता है वो ऑक्सैलो एसीटेट के साथ जॉइन होने से होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए का। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए ग्लूकोज से आता है, इसका ग्लाइकोलिसिस से पाइरूवेट बना है, और पाइरूवेट बदल के एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलता है, और 1 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ निकल जाता है। और ये इसमें अब 2 कार्बन बच गया है, यहाँ पे 3 कार्बन था, 1, 2, 3, जिसमें से एक निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड बन के, 2 कार्बन बच गया। ये 2 कार्बन इस 4 के साथ जुड़ के साइट्रिक एसिड बनता है, और ये जब साइकिल से होकर गुजरता है तो यहाँ पे 1 कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। तो इस तरीके से ये जो 3 कार्बन था इसका, 1 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, और ये फिर से बदल के जो है ऑक्सैलो एसीटेट में बदलता है। तो ये प्रोसेस जो है चलता रहता है, तो इसको हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। और इसमें कुछ चीज़ें बनती है, जैसे ATP एक बन रहा है, और NADH2 और NADH2, FADH2 बनता है। तो ये ग्लूकोज से जो है ना पाइरूविक एसिड का 2 अणु बनता है, तो 1 अणु जो है ये साइकिल चलेगा, तो 2 अणु के लिए ये साइकिल 2 बार चलेगा। तो NADH2 जो है 2 बनेगा, FAD भी 2 बनेगा, ये 2 बनेगा, तो 2, 2, 4, 2, 6 ये बनता है, और 2 ATP यहाँ पर बनेगा। तो इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता रहता है, और NADH2 बनता है, FADH2 जो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है।
तो इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट देखने से पहले हम एक पाथवे देखते हैं, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जिसको बोलते हैं। तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे होता है ये एक जो इसको हेक्सोज मोनोफॉस्फेट या HMP शंट भी बोला जाता है या फॉस्फोग्लुकोनेट पाथवे भी बोला जाता है। तो इसको वारबर्गन डिकेंस ने इसको खोजा था। तो ये एक्चुअली क्या है तो बोलता है जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है, यानी कि सबसे पहले जब ग्लूकोज के साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है कि ATP का खर्च होने से, वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है कभी कभी वो सीधा ग्लाइकोलिसिस में नहीं जाके एक अलग पाथवे भी फॉलो करता है, एक दूसरा रास्ता ले लेता है। तो इससे क्या होता है एक दूसरे तरह का इसमें प्रोडक्ट बनता है। तो इस ऑल्टरनेट ये जो है ना ये ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल का एक ऑल्टरनेट पाथवे इसको बोला जाता है। तो इसको इन्होंने डिस्कवर किया था। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और इसमें क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ कुछ कंपाउंड्स है जैसे फ्लोराइड्स है, आर्सेनेट है, ETC, ये जो है ना ये कुछ ग्लाइकोलिसिस के कुछ स्टेप्स को जो है ये रोकते हैं। तो अगर सेल में ये सब मौजूद है, आर्सेनेट है, फ्लोराइड है, आयोडोएसीटेट है, ये सब अगर मौजूद है तो ग्लाइकोलिसिस को होने से रोकता है। तो उस केस में ग्लाइकोलिसिस ना हो करके इस पाथवे पे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो बना है वो चला जा सकता है। तो उसमें क्या होगा कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इज ऑक्सीडाइज टू पेंटोज फॉस्फेट। तो पेंटोज यानी कि 5 कार्बन का कंपाउंड है, ग्लूकोज जो है 6 कार्बन का कंपाउंड है, तो वो ऑक्सीडाइज होकर पेंटोज फॉस्फेट में बदलता है, इसलिए इसको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे बोला जाता है। तो पेंटोज फॉस्फेट बाय द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, तो इसलिए इसको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे बोला जाता है और इसको फॉस्फोग्लुकोनेट पाथवे भी बोला जाता है। तो ये एक ऑल्टरनेट है, यानी कि पहला जो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस का पहला स्टेप अगर हम याद करेंगे तो जिसमें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनता है, वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फर्दर जो है अगर ये सब चीज़ें मौजूद है तो आगे वो नहीं बढ़ पाता है ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में, तो वहाँ वो ये पाथवे फॉलो करता है। तो यहाँ पर वो ऑक्सीडाइज होकर पेंटोज फॉस्फेट में बदलता है। तो इसमें कोई ATP नहीं बनता है, इसमें जो बनता है वो NADPH बनता है। ये NADPH जो है ये अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है और वहाँ पर जाके एनर्जी इससे निकलती है। तो NADPH सर्व्स एज हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर और ये फैटी एसिड में भी ये काम करता है। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे बोला है कि ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे है इस पैरेलल टू ग्लाइकोलिसिस, इट जनरेट्स, इससे निकलता क्या है तो इससे निकलता है NADPH और पेंटोजेस यानी कि 5 कार्बन के शुगर निकलते हैं, एज वेल एज राइबोस बाईफॉस्फेट। ये राइबोस बाईफॉस्फेट भी इससे जनरेट होता है, तो ये भी 5 कार्बन का शुगर है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, ये न्यूक्लियोटाइड के बनने में इस्तेमाल होता है, यानी कि जो DNA के अणु में जो रहते हैं एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ जुड़ के DNA बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड में हम जानते हैं कि एक नाइट्रोजिनस बेस होता है, एक शर्करा होता है और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो वो जो नाइट्रोजिनस बेस वगैरह है, शर्करा है, उसको बनने में राइबोस शुगर रहता है उसमें, तो उसको बनने में न्यूक्लियोटाइड के बनने में ये काम आता है। तो इस पाथवे इज ऑल्सो कॉल्ड फॉस्फोग्लुकोनेट पाथवे, जो क्योंकि पहला प्रोडक्ट जो है उसमें फॉस्फोग्लुकोनेट बनता है इसलिए उसके नाम से फॉस्फोग्लुकोनेट पाथवे है। तो ये एक ऑल्टरनेट पाथवे है जो कि ग्लूकोज कभी कभी फॉलो कर सकता है। तो ये उसका एक एग्जांपल है, देखेंगे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है, उसमें ग्लूकोनो 1,5 लैक्टोन 6 भी फॉस्फोग्लुकोनेट बन जाता है, फिर राइबुलोज बाईफॉस्फेट बन जाता है। ये राइबुलोज बाईफॉस्फेट जो है ये न्यूक्लियोटाइड राइबोज 5-फॉस्फेट में बदलता है और ये जो है न्यूक्लियोटाइड बनने में यानी कि जो DNA RNA के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसको वो बनने में ये चला जाता है, या उसका कुछ इस राइबुलोज बाईफॉस्फेट चेंज होकर जाइलुलोज फॉस्फेट या फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट बनता है। ये फर्दर अगर फिर से ग्लाइकोलिसिस में अगर जा सकता है तो वो जा सकता है। तो ये इस तरह का ऑल्टरनेट पाथवे भी ये कभी कभी फॉलो करता है। तो ये वही उसी का एक दूसरा डायग्राम है जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे एक NADPH2 निकलता है और यहाँ पे एक NADPH2 निकलता है, यानी कि 2 NADPH यहाँ पे बनता है एक ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से, और ये इसका ये जो है बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके एनर्जी रिलीज करता है। अब हम इसका जो लास्ट वाला स्टेप है वो देखेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या टर्मिनल ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी बोला जाता है। तो ये जो है एरोबिक रेस्पिरेशन का लास्ट स्टेप है, ये आखिरी स्टेप। तो इसमें क्या होता है
ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स। रिड्यूस्ड कोएंजाइम क्या है? जो एनएडीपी और एनएडीपीएच है, एफएडीएच है, वो सब जो कोएंजाइम्स हैं वो रिड्यूस्ड कोएंजाइम उनको इसलिए बोला गया है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन जुड़ा है, H2 जुड़ा है, तो हाइड्रोजन जुड़ गया उसको रिडक्शन या अवकरण बोलते हैं। तो जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम है ग्लाइकोलिसिस में या क्रेब्स साइकिल में जो बने हैं वो जो है इस प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं और इस्तेमाल होकर एनर्जी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और एनर्जी निकलती है इसमें से। तो इसमें जो इन्वॉल्व है, इसमें जो हिस्सा लेते हैं वो है यूबीक्विनॉन है, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3, ये कुछ एंजाइम्स और प्रोटीन्स हैं जो कि इस प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। और हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रॉन जो है जब ये NADPH2 से और NADPH2 से जब ये ट्रांसफ़र होते हैं साइटोक्रोम में और अल्टीमेटली जब ये ट्रांसफ़र होते हैं तो अल्टीमेटली ये ट्रांसफ़र होके ऑक्सीजन के साथ जुड़ के वाटर बनाता है। तो जो वाटर फॉर्मेशन है यानी कि जो जल बनने का जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्रेब्स साइकिल के दौरान रिलीज होता है, निकलता है, और जल बनने की प्रक्रिया जो है, वाटर बनने की प्रक्रिया, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होती है। तो यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल बनता है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली जो है ना प्रोसेस ख़त्म होता है, इसलिए उसको टर्मिनल ऑक्सीडेशन बोला जाता है, क्योंकि जो कार्बन निकला वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल गया और जो हाइड्रोजन निकला वो यहाँ ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। तो अल्टीमेटली हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के जुड़ने को हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो कार्बन का ऑक्सीकरण क्रेब्स साइकिल के दौरान हो गया है और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान होता है, तो इसलिए इसको टर्मिनल ऑक्सीडेशन बोला जाता है, क्योंकि एंड है ऑक्सीडेशन का, इसके बाद और ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो फ्लेबोप्रोटीन जैसे FAD है, यूबीक्विनोन है, जो कि हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स हैं, और बाकी जो साइटोक्रोम है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मतलब इसमें जो हिस्सा लेते हैं ये जो NADH2 बना है जो कि आपको क्रेब्स साइकिल में और ग्लाइकोलिसिस के दौरान बना है, वो ये हाइड्रोजन को यहाँ आके छोड़ता है। और हाइड्रोजन को छोड़ता है तो हाइड्रोजन जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को कैसे छोड़ता है? हाइड्रोजन के प्लस के फॉर्म में और इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। तो ये हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ये छोड़ता है, तो ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को ये जो आपके यूबीक्विनॉन है, ये यूबीक्विनॉन इसको एक्सेप्ट करता है, और जो साइटोक्रोम तो यूबीक्विनॉन जो है वो इसको भी एक्सेप्ट कर सकता है और इसको भी ले सकता है, और जो आपका साइटोक्रोम है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन जो है ये यूबीक्विनॉन्स और साइटोक्रोम्स के थ्रू से होके गुजरता है और गुजरते हुए एनर्जी यहाँ से निकलती है, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके ATP का अणु बनता है जो जिसमें कि एनर्जी स्टोर होती है। तो ये फॉस्फोरिलेशन इसको बोलते हैं या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो ये कैसे हो रहा है हम आगे देखेंगे। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है इसमें नॉर्मली चार तरह के एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, चार तरह के किण्वक इसमें से इन्वॉल्व होते हैं। तो उन वो चार एंजाइम अकेले नहीं होते, वो कई प्रोटीन्स एक साथ जुड़े होते हैं, इसलिए उनको कॉम्प्लेक्स एंजाइम बोला गया है। तो चार एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये चार एंजाइम के कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 1 जो है जहाँ NADH यूबीक्विनॉन ऑक्सीडो, उस एंजाइम का नाम है NADH यूबीक्विनॉन ऑक्सीडो रिडक्टेज और NADH डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम सबसे पहले काम करता है और हाइड्रोजन और के आयन को और इलेक्ट्रॉन को NADPH से यूबीक्विनॉन में ट्रांसफ़र करता है, और ऑल्सो इन्वॉल्व द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बाहर भी फेंकता है, कहाँ बाहर फेंकता है वो हम देखेंगे। और दूसरा कॉम्प्लेक्स जो है सक्सीनेट टू यूबीक्विनॉन, ये जो एंजाइम है इसमें सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम काम करता है। ये अगर आपको याद होगा कि क्रेब्स साइकिल में दो NADPH2 बनता है और एक FADH2 बनता है, जो FADH2 होता है उसके हाइड्रोजन को ये कॉम्प्लेक्स जो है दूसरा कॉम्प्लेक्स वो पकड़ता है और वहाँ से हाइड्रोजन और आयन को और इलेक्ट्रॉन को लेता है। और तीसरा कॉम्प्लेक्स जो है जो कि इस इलेक्ट्रॉन को यूबीक्विनॉन से साइटोक्रोम सी में ट्रांसफ़र करता है, और लास्ट जो है वो साइटोक्रोम सी से ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है। तो ये चार एंजाइम कॉम्प्लेक्स हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं,
इसमें से जो पहला दो है ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों को लेता है, और लास्ट टू जो है ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लेता है और आगे बढ़ाता है, और लास्ट में जो है ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम से मॉलिकुलर ऑक्सीजन देता है जिससे कि वो फर्दर H2O बनता है। तो ये चार स्टेप क्या होता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो ये जो है ये देखेंगे, ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो झिल्ली है वो ये है। माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली, जैसा कि हम जानते हैं कि दोहरी मेम्ब्रेन की झिल्ली होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया, जिस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली है। तो ये उसकी बाहर की झिल्ली है, ये उसके अंदर की झिल्ली है। इसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, अंदर की झिल्ली के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है वहाँ पे क्रेब्स साइकिल चलता है, और क्रेब्स साइकिल चल के NADH2 बनता है, FADH2 बनता है। ये NADH2 जो है जिसमें हाइड्रोजन है, ये इस माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में ये पहला कॉम्प्लेक्स है, जो एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है उसके संपर्क में आता है, और ये क्या करता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, और ये जो हाइड्रोजन है इसको बाहर निकाल देता है। तो हाइड्रोजन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के दो झिल्लियों के बीच की जो जगह है वहाँ पे हाइड्रोजन चला जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेता है, लेके यूबीक्विनॉन जो कंपाउंड है यूबीक्विनॉन में ट्रांसफ़र करता है। इसी तरह से जो दूसरा एंजाइम कॉम्प्लेक्स है सेकेंड वाला, ये FAD से जो FADH2 बनता है उससे इलेक्ट्रॉन को और हाइड्रोजन को लेता है, और ले करके इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ यूबीक्विनॉन में ट्रांसफ़र करता है, और हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल जाता है। तो तीसरा जो कॉम्प्लेक्स है, तीसरा कॉम्प्लेक्स जो है वो इन इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों जगह से इलेक्ट्रॉन आया है यूबीक्विनॉन में, इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के साइटोक्रोम में ट्रांसफ़र करता है। और चौथा जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ये साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन को यहाँ ऑक्सीजन के में ट्रांसफ़र करता है, ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ लेकर के और हाइड्रोजन के साथ मिल करके वाटर बनाता है। तो वाटर बनने की जो प्रक्रिया है, जल बनने की जो प्रक्रिया है वो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन के दौरान होता है। तो ये जो NADH और FADH जो है ये कहाँ से आते हैं, ये क्रेब्स चक्र से आते हैं, और NADH जो है ग्लाइकोलिसिस में भी बनता है, तो वहाँ से ये आते हैं, और ये अपना जो हाइड्रोजन का आयन जो है और इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे देते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये 1, 2, 3, 4 एंजाइम के कॉम्प्लेक्स, एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस जो हैं दे आर नथिंग बट प्रोटीन्स, ये अलग अलग प्रोटीन्स हैं जो साइटोप्लाज्म की अंदर वाली झिल्ली में पाए जाते हैं, और यहाँ पर ही यूबीक्विनॉन और साइटोक्रोम पाए जाते हैं। तो ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन को लेते हैं और बाहर निकाल देते हैं, मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों झिल्लियों के बीच की जगह जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दोनों झिल्ली के बीच की जगह, वहाँ हाइड्रोजन को भेज देते हैं और इलेक्ट्रॉन को यूबीक्विनॉन में भेज देते हैं, और फिर दूसरा तीसरा कॉम्प्लेक्स जो है वो इस यूबीक्विनॉन से इलेक्ट्रॉन लेकर साइटोक्रोम में भेजता है, और साइटोक्रोम जो है फर्दर तीसरे चौथे कॉम्प्लेक्स की मदद से साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ता है, और वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके जल का निर्माण करते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन बाहर चले गए हैं, ये हाइड्रोजन एक यहाँ पे एक और एंजाइम होता है ATP सिंथेज, इस एंजाइम की मदद से ये जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जो हाइड्रोजन चले गए हैं ये अंदर आते हैं, और जब बाहर से अंदर आते हैं तो यहाँ एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके ADP और फॉस्फेट जुड़ करके ATP बनाता है। तो ATP बनने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे होता है। तो ये जो NADH और FADH, ये जो हाइड्रोजन आयन को छोड़े हैं, ये हाइड्रोजन आयन जो बाहर चला गया है, ये हाइड्रोजन आयन बाहर से अंदर आता है इस एंजाइम की मदद से, और यहाँ ऊर्जा निकलती है, और इसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके ADP से ATP बनता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इसमें मेजर दो चीज़ है, एक तो है ATP का बनना और दूसरा है जल का निर्माण। जो तो पूरा जो रेस्पिरेशन या श्वसन का प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है, जल बनता है, तो वो वाटर का फॉर्मेशन यहाँ होता है, और जो एनर्जी निकलती है ऊर्जा वो भी यहाँ निकलती है, और इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में भी ATP का जनरेशन होता है, और क्रेब्स साइकिल में भी एक जगह ATP बनता है। तो ATP जो है ये तीनों जगह पे बनता है, एक यहाँ पे बनेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, एक क्रेब्स साइकिल में, एक अणु ATP का, और ग्लाइकोलिसिस में
दो अणु एटीपी का, तो वहाँ पे एटीपी 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 बनता है, और जो जल का निर्माण जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो एंजाइम है, ये 1, 2, 3, 4, ये चार एंजाइम सिस्टम जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली झिल्ली पे पाए जाते हैं, और जो डबल लेयर है माइटोकॉन्ड्रिया की, जो दोहरी झिल्ली है उसके अंदरूनी झिल्ली पे ये एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जब हम फैक्टर्स को देखेंगे, कौन कौन से कारण, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि रेस्पिरेशन को, इसके प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती हैं, तो नेचुरली एक है टेम्परेचर, जो होता है 30 डिग्री में बहुत अच्छा रहता है, 0 डिग्री जाते जाते ये मिनिमम हो जाता है, और 45 डिग्री के ऊपर भी ये ख़त्म हो जाता है। तो इसका सीधा सीधा संबंध आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जो इसमें जितने भी प्रोसेसेस हैं हर स्टेप में एक एंजाइम इन्वॉल्व्ड है, और एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन जो है एक खास टेम्परेचर पे अच्छा काम करते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उनका आपस का, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि उसका आपस का बॉन्ड टूटने लगता है और उनका स्ट्रक्चर जो है वो बिगड़ जाता है। तो ऐसा जब स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है तो उसको बोलते हैं डीनेचर्ड प्रोटीन हो गया। तो डीनेचर हो गया प्रोटीन का, वो प्रोटीन जो है वो लॉक एंड की वाला सिस्टम उसका काम नहीं करता। अगर आपको एंजाइम वाला लेक्चर याद होगा तो उसमें एंजाइम में हमने देखा है कि एंजाइम का एक डेफिनेट एक स्ट्रक्चर होता है, लॉक एंड की जैसा होता है, उसमें वैसा ही जो जिस चीज़ के ऊपर वो काम करता है उसके स्ट्रक्चर की तरह उसमें घाट बने होते हैं जिससे वो फिट होता है उसमें। अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया तो इसका एंजाइम का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है और वो फिर सबस्ट्रेट उसमें फिट नहीं हो पाता है, तो एंजाइम काम करना बंद कर देता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एंजाइम्स का डीनेचर होना जारी हो जाता है और एंजाइम काम नहीं करता। इस तरह से जब टेम्परेचर घटने लगता है तब भी ये प्रोसेस होता है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास है, और लो टेम्परेचर में रेस्पिरेटरी एंजाइम बिकम इनएक्टिव, टेम्परेचर इनएक्टिव, एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन गिर जाएगा, और इसी तरह से जब हाई टेम्परेचर होगा तो रेस्पिरेशन स्लो हो जाएगा क्योंकि डीनेचुरेशन ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हो जाएगा। तो रेस्पिरेशन एंजाइम जो है वो डीनेचर्ड हो जाता है तो काम नहीं कर पाता है। दूसरा जो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेटिव जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही वो होगा। ऑक्सीजन नहीं है तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, तो एनर्जी जो है वो बहुत कम निकलती है उसमें, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क रहता है। तो इसलिए ऑक्सीजन जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। तो नहीं तो जैसा मैंने बताया कि ऑक्सीजन नहीं होता एनएरोबिक हो जाएगा जिससे कि अल्कोहल बनेगा जो कि टॉक्सिक होता है। अल्कोहल ज़्यादा जमा हो जाएगा तो वो कोशिका के लिए हानिकारक है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, ये एक पॉइंट है कि ऑक्सीजन की वो मात्रा जिसमें कि एरोबिक रेस्पिरेशन सबसे ऑप्टिमम पे चल रहा हो और एनरोबिक रेस्पिरेशन जो है बंद नहीं हो रहा हो, उसको हम एक्सटिंक्शन पॉइंट बोलते हैं। मतलब एक्सटिंक्शन पॉइंट ऑक्सीजन की वो मात्रा है, वो कॉन्सेंट्रेशन है जिस कॉन्सेंट्रेशन पे एरोबिक रेस्पिरेशन अपनी चरम सीमा पे चल रहा है, मतलब इतना अच्छा चल रहा है और एनरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्सटिंक्शन पॉइंट। और कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि हम जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाने से सेल के अंदर वो उसका भी एक टॉक्सिक इफेक्ट होता है, तो उससे जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस कम हो जाता है। खास करके स्पेशली बोला है इन द पुअरली एरेटेड सॉइल, मिट्टी के अंदर जो जड़ है उसमें रेस्पिरेशन बहुत उस पर इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, कार्बन डाइऑक्साइड ही जमा हो गया है, तो उसके जो एंजाइम्स है वो ठीक से काम नहीं करेंगे तो उसका इफेक्ट जो है वो रिटार्डिंग इफेक्ट हो जाएगा वहाँ पे। इसी तरह से कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, देखा गया है कुछ सॉल्ट्स की मात्रा अगर सॉल्यूशन में अगर कोशिका रहती है तो उन सॉल्ट्स के प्रेजेंस में जो है रेस्पिरेशन का उनका स्पीड जो है वो बढ़ता है, रेस्पिरेशन ज़्यादा अच्छा होता है। और इसके अलावा जो फैक्टर्स हैं, एक में सब लिखा है कि टिश्यू इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वाटर टू सॉल्ट, सो अगर प्योर वाटर में रखा है उसके बजाय सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा है तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छा होता है। वाटर इसलिए ज़रूरी है कि फॉर रेस्पिरेशन, क्योंकि रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है डिक्रीजेज विद डिक्रीज अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि ये जो सारे एंजाइम्स हैं जो भी काम करते हैं ये एक जलीय माध्यम रहता है कोशिका के अंदर, उसमें काम करते हैं। अगर पानी कम हो जाएगा तो वो सूख ड्राई होने लगेगा तो उसमें फिर वो एंजाइम्स ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए पानी का होना ज़रूरी है।
और इफ़ेक्ट ऑफ लाइट जो है वो इनडायरेक्ट है, क्योंकि लाइट का असर डायरेक्टली नहीं है, लाइट का असर इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट किस कैसे है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो उसमें ग्लूकोज बनता है जो कि रेस्पिरेशन में टूटता है। तो अगर ग्लूकोज बनेगा नहीं तो रेस्पिरेशन में टूटने के लिए क्या रहेगा, नहीं वो सबस्ट्रेट। तो ये एक तरह से कि इनडायरेक्टली लाइट इफेक्ट करता है, डायरेक्ट लाइट का ऐसा कोई इफेक्ट रेस्पिरेशन के ऊपर नहीं है। तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का अगर हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो एक ये अपचय की क्रिया है और एक उपचय की क्रिया है, जो बनने की प्रक्रिया है। ये लाइट इसमें ज़रूरत नहीं है रेस्पिरेशन में, जबकि इसमें लाइट जो है वो एसेंशियल है। इसमें ऑक्सीजन जो है, अगर देखेंगे ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिल करके ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है उसके साथ ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, क्योंकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिल करके ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन उसमें से निकलता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जिसका एंड प्रोडक्ट है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका के अंदर लिया जाता है और उसको फूड में बदला जाता है, जबकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू काइनेटिक एनर्जी। कैसा पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये जो रेस्पिरेशन है, मतलब जो ग्लूकोज के अणु हैं उनके अंदर जो ऊर्जा मौजूद है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो कार्य करने की क्षमता उसके अंदर है, पोटेंशियल है, अभी किया नहीं है, वो एनर्जी जो है उसमें से जब ऊर्जा निकलती है तो उसका इस्तेमाल विभिन्न अलग अलग क्रिया में होती है। फॉर एग्जांपल हम मूवमेंट कर रहे हैं या बात कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उसमें वो होती है, तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा में वो बदलती है, इसलिए बोलते हैं उसको। और इसमें सूरज की रोशनी में, लाइट में जो एनर्जी है, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है। केमिकल एनर्जी मतलब उसमें ग्लूकोज के अणु बनते हैं तो उनके बंधनों के बीच में ऊर्जा स्टोर हो जाती है, तो वो एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी है जिसको बाद में तोड़ के वहाँ से ऊर्जा निकाला जाता है। और ग्लूकोज और ऑक्सीजन इसमें रॉ मटेरियल है रेस्पिरेशन में, जबकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रॉ मटेरियल है। इसमें एनर्जी निकलती है तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और इसमें एनर्जी स्टोर होती है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और क्लोरोफिल टिश्यू की इसमें ज़रूरत नहीं है, इसमें क्या ज़रूरत है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया की, और यहाँ पे क्लोरोफिल टिश्यू जो है वो ज़रूरी है, उसके बिना नहीं होगा। और ये जो है इससे क्या होता है, अपचय की प्रक्रिया है, तो टूट रहा है तो ड्राई वेट जो है वो घटेगा, इसमें रिडक्शन हो रहा है, और इसमें नई चीज़ें बन रही है तो ड्राई वेट जो है वो बढ़ेगा। तो ये फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन देखेंगे, ये थोड़ा सा अपोजिट प्रोसेस है, थोड़ा रिवर्स प्रोसेस भी इसको बोल सकते हैं एक दूसरे का। इसी तरह से जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन को देखते हैं, यानी कि जब ग्लाइकोलिसिस के द्वारा जब पाइरूवेट बना है वो अगर फर्मेंटेशन में जाता है या फिर एरोबिक में जा रहा है, तो एरोबिक दोनों में क्या तुलना अगर करते हैं तो ये लिविंग सेल में होता है, ये आउटसाइड द प्लांट सेल भी होता है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के अंदर होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि ईस्ट के द्वारा इस्तेमाल करके जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस किया जाता है, या बियर बनाने में, अल्कोहल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो कोशिका के बाहर भी ये हो सकता है और टेक्स प्लेस। इसमें ऑक्सीजन ज़रूरी है, ये बिना ऑक्सीजन के हो रहा है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, इसमें एंड प्रोडक्ट्स जो है अल्कोहल बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें ये चूँकि CO2H2O है तो इतना टॉक्सिक नहीं है, अल्कोहल बन रहा है तो ये टॉक्सिक है, विषैला है, ज़्यादा अल्कोहल जमा हो जाएगा तो। और ये यहाँ पे जो है वो कॉम्प्लीट ऑक्सीडेशन, जैसा कि हम शुरू में देखे थे कि पूरी तरह से ऑक्सीकरण होता है, कॉम्प्लीट ऑक्सीकरण, और इसमें इनकॉम्प्लीट है क्योंकि सारे बंधन जो है वो नहीं टूटते हैं, तो ये इनकॉम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। इसमें एनर्जी बहुत निकलती है और इसमें जो कम एनर्जी निकलती है, और एनर्जी रिलीज हो रहा है इसलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें एनर्जी स्टोर हो रहा है तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें कम एनर्जी निकलती है, एक्चुअली एंडोथर्मिक नहीं होना चाहिए, इसमें एनर्जी जो है वो कम निकलती है, इसमें एनर्जी जो है वो ज़्यादा निकलती है।